सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपने आईब्रो को ग्रूम कैसे करें ताकि हम अपने फेस की अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सके। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ, आप पहले वो सुन लो। रुपए के ब्लेड से आपको एक हंटर आई मिल जाएगा तो आप क्या करोगे? लड़के बढ़ाओगे? चलो बढ़ाते हैं। सिंपली ब्लेड को ट्विस्ट करना है, का ब्लेड लेना है और अपने ऊपर के आईब्रो में हल्का हल्का जो छोटे छोटे हेयर्स है उसको कट करना है और आईब्रो को एक अच्छा शेप देना है। एंड देन आपके बीच में जो आईब्रो ग्रो हो रहा है उसको भी कट करना है। उसके बाद आपके आई एंड आईब्रो में डिस्टेंस। तो गाइस, आप लोगों ने सुना कि भाई क्या कह रहे हैं? भाई ये कह रहे हैं कि आप हंटर आईज अचीव कर सकते हो आईब्रो पर रेजर चलाकर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा क्योंकि उस वीडियो पर 54 मिलियन व्यूज गए हुए हैं। अगर उनमें से 1% लोगों ने भी देखी होगी और फॉलो किया होगा वो, तो आज के टाइम में वो उन्होंने अपने फेस का बेड़ा खराब कर लिया होगा, लिटरली पूरा का पूरा फेस खराब कर लिया होगा। क्योंकि रेजर से जब हम अब कुछ भी, अगर हम बियर्ड के भी बाल काटेंगे या कोई से भी बाल काटेंगे, रेजर रूट से बाल नहीं काटता, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से काटता है। तो उसके बाद जो बालों की ग्रोथ होती है, हेयर फॉलिकल से जो ग्रोथ होती है, वो हार्ड और थिक होती है। तो उस वजह से आपके हेयर जल्दी भी ग्रो करते हैं और हार्ड भी करते हैं। तो उस वजह से आप यूनिब्रो का शिकार हो सकते हैं। यूनिब्रो ऐसे दिखता है और यूनिब्रो बहुत अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों के जेनेटिकल होता है, वो अलग चीज़ हो गई, बट जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं वो फिर बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्यों ही करा। इसलिए गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सिंपल 4 स्टेप्स में अपनी आईब्रो को ग्रूम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, वॉश योर फेस। गाइस, फेस वॉश करने के बाद आपके जो फेस पर एक्सेसिव ऑयल और डर्ट है वो रिमूव हो जाएगी और उस वजह से आपको एक क्लीन और ड्राई फेस मिलेगा। सेकंड स्टेप में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी प्लकर की, जिसको हम ट्विजर भी बोलते हैं। लोकल शॉप में आपको ये 20-40 रुपीज का मिल जाएगा, जो कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है ऑब्वियसली, और ये इजी टू यूज है। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बाल जिस डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऐसे प्लग करना है, क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लग करोगे तो वो आपको ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे उसमें, तो ये इस चीज को अवॉइड ही करना। थर्ड स्टेप में आपको जरूरत पड़ेगी एक कोम की और एक सीजर की। कोम से आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, अपने बालों को ऐसे करना है और जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब ऐसे बाहर जा रहे हैं जो लंबे हैं, उनको ऐसे आपको बस ट्रिम करना होगा सीजर से, ताकि आपको एक आईब्रो परफेक्ट सिमेट्री में मिल जाए। स्टेप 4 में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी पाउडर की। पाउडर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। पाउडर में यूज करने को आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्लकिंग के बाद जो भी आपको एक्ने और पिंपल हो सकते हैं वो पाउडर लगाने के बाद नहीं होंगे। ये चीज मैंने खुद भी फेस करी थी शुरुआत में, मेरे को भी पिंपल और एक्ने हो जाते थे प्लकिंग के बाद, बट जब से मैंने एंड में पाउडर लगाना चालू किया तब से मेरे को कोई पिंपल एक्ने नहीं होते। ये क्या करता है, ये आपके हेयर फॉलिकल को फिल कर देता है जिससे आपको ब्रेकआउट नहीं होगा। और आपको बस क्या करना है, ये थोड़ा सा पाउडर फिंगर पे लेके आप जहाँ जहाँ आपने प्लकिंग करी है वहाँ वहाँ आपको अप्लाई करना है मैक्स टू मैक्स 3 मिनट, और उसके बाद आपको अपना फेस वॉश करना है। दैट्स इट, उसके बाद यू आर गुड टू गो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल हंस सैनी, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ओके भाई, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय।